हमारी थिंकिंग और हमारी स्पीच बहुत पावरफुल है। इससे हम हर जंग जीत सकते हैं। हमारी स्पीच सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं बल्कि खुद के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एक थियरी के अकॉर्डिंग आप दिन भर में जो भी बोलते हो उसमें से कोई एक बात जरूर पूरी होती है, वो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जो लोग हमेशा नेगेटिव बोलते रहते हैं उनके साथ कभी अच्छा नहीं होता है, और जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं उनकी लाइफ में सब अच्छा अच्छा होता है। कल की चिंता छोड़कर प्रेजेंट में अपने ऊपर काम करो और पॉजिटिव थॉट्स को अपने माइंड में बनाए रखें। अक्सर हम एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि इस वजह से हम ये नहीं कर पाए, या मेरे पास अगर ये होता तो जरूर ही जीत जाता। लेकिन आप दुनिया के सामने एक्सक्यूजेस दे सकते हैं लेकिन खुद को नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। बहाने बनाने की बजाय आप अपनी गलतियों को ढूंढो और उसे सबके सामने प्रेजेंट करो, ना कि उसे छुपाओ। आपको कुछ टाइम के लिए बुरा लग सकता है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो आप उन मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट नहीं करोगे और आप जल्द ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। हमारे वर्ड्स जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये हमारे फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। जब हम कुछ अच्छा बोलते हैं तो गुड वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं जो गुड वाइब्स को अट्रैक्ट करता है, और ठीक ऐसा ही बैड वर्ड्स बैड वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं जो बैड थिंग्स को अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए, चाहे हमारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो। लाइफ में कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आपको अपने आप पर विश्वास है। कई लोग बोलते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, तो वो खुद से झूठ बोल रहे हैं और खुद को समझा रहे हैं। आपके पास अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपका साथ देने वाला कोई नहीं है, लेकिन अगर आपको खुद पर यकीन है, आप खुद पर बिलीव करते हो कि मैं कर सकता हूं, तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हो जो भी आप चाहते हो। हम सभी लाइफ में कई बार फेल होते हैं, लेकिन हमें उन्हें भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। हम कितनी बार फेल हुए हैं इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम लाइफ में बहुत मिस्टेक्स करते हैं, ये सब सक्सेस की प्रोग्रेस का हिस्सा है, क्योंकि सफलता कभी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, सब कुछ भुलाना पड़ता है। आपको बस आगे बढ़ते जाना है। आपको मुश्किलों से डरना नहीं है बल्कि उसका सामना करना है और उसे हरा कर अपने गोल को अचीव करना है। अगर हम कहें कि क्या अपनी मंजिल तक पहुंचना इजी है, तो आंसर है नहीं। लेकिन अगर हम कहें कि क्या हम ये कर सकते हैं, तो जवाब होगा हाँ। ये इजी तो नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसे हासिल कर सकते हैं। कई बार हमारे लिए अकेले कुछ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन किसी अच्छे इंसान के साथ मिलकर बड़ी से बड़ी चीज भी अचीव की जा सकती है। हमारे लिए अकेले कुछ पाना बहुत मुश्किल होता है, हमें किसी के साथ और किसी की गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है। जब हम किसी के साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम मुश्किलों से भी नहीं डरते हैं। जब हम ड्रीम्स की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि उन्हें पूरा नहीं किया जा सकता और हम उन्हें सीरियस नहीं लेते, लेकिन ड्रीम्स हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम पूरी तरह से खुद को इसके लिए तैयार कर लें और खुद पर भरोसा रखें तो ये पॉसिबल है। फियर एक बहुत बड़ा बैरियर होता है जो हमें कुछ करने से रोकता है, लेकिन जो इंसान फियर को कंट्रोल कर लेता है वो हर काम कर सकता है। फियर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने फियर को पहचानना। हमारे डर का पता करके हम उसे कम कर सकते हैं और काफी हद तक उसे मिटा भी सकते हैं। कुछ फियर्स हमारे लिए हेल्दी भी हो सकते हैं। ये हमें सही रास्ते पर चलने में मदद करते हैं और हमें मोटिवेटेड और अलर्ट रखते हैं ताकि हम गलत डिसीजंस ना लें। जैसे हम ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं और वो हमारे पास आ जाती है, ठीक वैसे ही जब हम अच्छे वर्ड्स बोलते हैं तो ये यूनिवर्स को एक ऑर्डर होता है कि हमें गुड थिंग्स ज्यादा से ज्यादा चाहिए। इस तरह हमारी थिंकिंग के साथ साथ हम जो भी बोलते हैं वो भी हमारी सक्सेस को डिसाइड करता है। इसीलिए दूसरों से या खुद से हमेशा सोच समझकर और अच्छे से बात करना चाहिए। बैड वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं करना चाहिए। प्रेयर एक बहुत ही इफेक्टिव वे है अपनी पावर को बढ़ाने का। जब हम प्रेयर करते हैं और गॉड को थैंक यू बोलते हैं, अपने काम को पॉजिटिवली बताते हैं और अपने गोल को पाने के लिए गॉड से रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये हमारे वर्ड्स हमें यूनिवर्स की हिडन पावर से कनेक्ट करते हैं जो हमारी ग्रोथ में बहुत हेल्प करती है। इसीलिए हमेशा गॉड पर भरोसा रखें और उसका हर चीज के लिए शुक्रिया करते रहें। जब हम अपने हर दिन को गॉड का एक गिफ्ट समझते हैं और उसके लिए थैंकफुल रहते हैं, तो हम अपनी लाइफ को बहुत ही खुश और मीनिंगफुल बना सकते हैं। थैंक यू एक बहुत ही पावरफुल वर्ड है। ये एक पावर सोर्स की तरह है जो हमें और दूसरों को एक पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है।
हमें अपने काम को, अपने रिसोर्सेस को, अपने पेरेंट्स को, दूसरों को हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि ये हमें गुड फीलिंग से भर देगा और हमें एक पीसफुल लाइफ को अचीव करने में हेल्प करेगा। किसी की लाइफ आसान नहीं होती है, हम सभी की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें सक्सेसफुल होने से रोकती हैं। लेकिन अगर हम उन प्रॉब्लम्स को लेकर टेंशन लेते रहेंगे तो हम ना तो खुश रह पाएंगे और ना ही उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकाल पाएंगे। इसीलिए अपनी प्रॉब्लम्स को मैनिफेस्ट ना करें, बल्कि उनका सोल्यूशन जो हो सकता है वो ढूंढें। हमारी बाहर लोगों से बातचीत के साथ साथ हमारी खुद के साथ बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम खुद को अपने गोल को अचीव करते हुए इमेजिन करते हैं और उसके लिए मन ही मन खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, खुद को रिवॉर्ड देते हैं, तो हम उस सक्सेस की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। जैसे जब हम किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाएं, तो हमें पॉजिटिवली ये सोचना चाहिए कि हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा और हम इस तरह से उसे सेलिब्रेट करेंगे। इससे ना केवल हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बल्कि हम बहुत ही एक्टिव और खुश फील करते हैं, जिससे हमारे सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इस यूनिवर्स की तरह ही हमारा माइंड भी लिमिटलेस है और इमेजिनेशन, परसेप्शन, कमिटमेंट, थॉट्स, ये हमारे माइंड की मसल्स होती हैं और ये हमें जितना डेवलप और इम्प्रूव करते हैं, ये हमें उतना ही पावरफुल इंसान बना देती हैं। आपको खुद से जुड़ने में थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन जब आप अपने आप पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं और अपनी सक्सेस के लिए अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, तो आपको अपने गोल को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। जब आपके थॉट्स आपके गोल को लीड करते हैं, तो आपके ब्रेन के वाइब्रेशंस आपकी सक्सेस को पाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नीचे कमेंट में आई एम ग्रेटफुल लिखकर यूनिवर्स की सभी ब्लेसिंग्स के लिए ग्रेटिट्यूड दिखाएं।